आप ग्रीन दिखा रही हैं? जी बिल्कुल ग्रीन दिखा रही हूँ, क्योंकि इस साल जो है शनि का साल है, वैसे भी ये साल मंगल का, क्योंकि अगर हम हिंदी जो उसकी बात करते हैं, हमारा हिंदी जो साल होता है उसमें जो राजा है वो मंगल है और मंत्री शनि है, तो ये मंगल का साल रहने वाला है। और आप देखिए कि जो इस देश का राजा यानी कि प्रधानमंत्री, उनके भी मंगल की ही तो अच्छा रहेगा, तो ये साल डिफेंस के लिए अच्छा। इधर और रेड आए थे, इधर कौन से? इधर ग्रीन है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि स्वतंत्र भारत की जो जन्म कुंडली है उसमें भाग्य स्थान और कर्म स्थान के लॉर्ड शनि बनते हैं, और 24 जनवरी 2020 याद रखिएगा, 24 जनवरी 2020 में शनि मकर राशि में और 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में आए थे। और शनि ही विस्फोटक सामग्री, चाहे वो किसी भी प्रकार के हथियार बनाने हो, वो मंगल और शनि के अंतर्गत आते हैं। और शनि इस वक्त 2025 के एंड तक कुंभ राशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में। भारत आने वाले समय में रशिया, अमेरिका और फ्रांस किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है? निर्भर बनकर आप निर्भर बनेगा। रेड दिखा रहा हूँ, आप रेड दिखा रहे हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि इस साल 2024 में भारत की जिन जिन देशों से सीमा लगती है उन किसी से भी संबंध अच्छे नहीं रहने वाले, और इसका फायदा चाहिए उठाएगा। दूसरी बहुत बड़ी, ऐसा क्यों? पूरे विश्व में एक सनातन विरोधी लहर उठेगी 2024 में, जो पच नहीं रहा है, जो पिछले 15 सालों से भारत तरक्की कर रहा है ना, तो सनातन विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी नहीं, भारत विरोधी ताकतें जो है वो वैश्विक स्तर पर एक होंगी। कोई मुद्दा उठाएंगे वो डिप्लोमेसी का, ईंधन का, किसी का, तो इससे भारत और उभर करके सामने। नहीं, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया काम होगा। बोर्ड दिखाइए, बोर्ड दिखाइए। और हम लोग, ये बात सही है कि जितने भी देश हैं जिसके साथ हमारी बॉर्डर्स हैं वो डिस्प्यूट और बढ़ेंगे, आक्रमण होंगे, पर हमारी फोर्स इतनी मजबूताई से सामना करेगी कि लोगों को पता चलेगा कि आतंकवाद का खात्मा हो सकता है, और हम लोग और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। इसमें अमित शाह साहब का भी रोल बहुत ठीक है। पाकिस्तान, और वहां तो इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के हिसाब से, तो वो 2024 वहां कैसा रहेगा ये देखते हैं। और एक फैक्ट आपके सामने, पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई। अपना झंडा दिखाइए, अपना बोर्ड दिखाइए, पाकिस्तान स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, सरकार 5 साल पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है? एक बार शास्त्री जी आपसे शुरू कर लेते हैं, बताइए। रेड है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बतलाना चाहता हूं कि 2029 तक पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, उसके तीन हिस्से हो जाएंगे, और उसमें 2025 में एक हिस्सा भारत में आकर के सम्मिलित हो। आप बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं, पाकिस्तान के तीन हिस्से हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना कभी, क्योंकि दोनों भारत और चाइना की दोनों की राशि का स्वामी एक है, चाइना कभी भारत पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, ठीक है? वो पाकिस्तान का कंधा यूज करके भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ सकते, ठीक है? रेड, आपका क्या है? रेड है, पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स नेशनल एसेट्स, ह्यूज लोन के अगेंस्ट सारी नेशनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी और डाउनफॉल जाएगा। और अगर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्शंस में मरियम नवाज का जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ। आपने तो मरियम नवाज की भविष्यवाणी कर दी, आप क्या कह रही जी? बिल्कुल नहीं, देखिए पाकिस्तान का, आप रेड और ग्रीन पहले ही दिखाइए। जी बिल्कुल रेड रहेगा, और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो और भी ज्यादा बद से बदतर होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो इलेक्शन की बात है, जैसे आपने कहा कि 5 साल तक सरकार कोई नहीं बना पाए, तो आने वाले टाइम में भी जितने टाइम अभी लोग रहे हैं उतना भी टाइम नहीं रहे, ठीक है? मैम, आपका क्या कहना है? बहुत इंस्टेबिलिटी रहेगी वहां पर, और जो लोगों का जो विश्वास है वो गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल चला जाएगा, और डिफेंस बहुत ज्यादा कैप्चर करेगी, ठीक है? आप क्या कह रही हैं जल्दी से? यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि पीएनएम के आने के चांसेस हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इनस्टेबल रहेगा, क्योंकि नवाज शरीफ स्टेबल रहेगा। ओके, ओके, अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान के तीन टुकड़े, इतना सा तो पाकिस्तान है, वो भी गीदड़, इतना सा और उसके बाद गीदड़ इस तरीके से हम कहेंगे इनको, तो गीदड़ ही कहेंगे जो ना पीछे से वार करने वाले। एस्ट्रो आपका क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि रेड और ग्रीन, देखिए रेड दिया मैंने, और इनके खराब रहेगा 2024 खराब रहेगा, बिल्कुल खराब रहेगा, बहुत बुरा रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। जरूर इनका मॉर्गेज होगी, इनकी प्रॉपर्टीज और चीजें, और उसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम आएगा, जिन पे भरोसा कर रहे हैं वो लोग इन्हें लास्ट मिनट पे, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन में मिक्स रिजल्ट आएंगे, और खराब रहेगा रेड कार्ड 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 इट्स अ मिक्स थिंग, क्योंकि उनको फाइनेंशियल एड कहीं से मिलते हुए दिखाई देती है, लेकिन पॉलिटिकल कारण क्या है इसका? कारण हो सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज माइट सपोर्ट पाकिस्तान, वो उनको हेल्प करे, लेकिन इंटरनली पॉलिटिकल सिचुएशन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो टुगेदर गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन इमरान 5 साल चलेगी,
नहीं, लेकिन नहीं चलेगी। ठीक ठीक मैम, आप बताइए, 5 साल सरकार चलेगी 2024 में? बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगी। क्यों? नहीं। कारण? क्योंकि पाकिस्तान के जो गृह हैं उसके लिए वो नेगेटिव है, उसको आर्थिक फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत महंगाई बढ़ेगी और सेक्टर्स सारी तरफ से नीचे की तरफ ग्राफ जाए। ठीक है, तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ये जो आजादी का दिन था पाकिस्तान का, वो 2024 में उसके लिए लाभदायक रहेगा। तो चुनाव में जो भी रहेंगे, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगा। उन्हें अमेरिका जो बाइडेन जो है 7 के अंक वाले केतु वाले हैं, तो वह शुद्ध रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। चाइना 6 के अंक का शुक्र वाला है, तो वह भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो भारतीय जो राजनीति के जो दिग्गज है, उन्हें पाकिस्तान के प्रति एक विशेष पॉलिसी बना के सावधान रहना चाहिए, अन्यथा 2024 में 28 अप्रैल से लेकर 19 जून के बीच पाकिस्तान से हमें खतरा हो सकता है।